गम निकल जा, नुकसान तेरा है बात इश्क में ना दरमियां। दिल जार जार रोए बस ना चले, तुमको है ऐसा खोए तुम ना मिले, ना तुमसे मिले ज्यादा ना तुमसे मिले कुछ कम, तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम। टेंशन हो रही है ये साल का वक्त खत्म होंगे भी कि नहीं होंगे। हाँ, ये पूरी जगह भी तो खाली है। भाई कितना टाइम लगेगा जगह को फिल करने में? 15 से 20 मिनट। 15-20 मिनट अगर हो सके तो जल्दी कर दे। तुम लोगों ने किस गाने प्रैक्टिस की? मेहंदी की है रात। ओहो हाँ सोमिया, तुमने तो ऐसा इंतजाम किया जैसे पूरा मोहल्ला आ रहा है ढोलकी पे। अम्मी मेरा बस तो मोहल्ला तो क्या पूरे शहर को बुला लो। मेरे भाई की शादी है। अच्छा सुने, आपने वो मिठाई का कह दिया है? जी जनाब, मैंने नुमान को कह दिया है, वो ले आएगा शाम को। अच्छा सुनो, तो फिर मेहमानों को हम बिस्किट, चाय, कबाब और मिठाई। ठीक है, वो सब मैं देख लूंगी। ओ अम्मी, मेरी चूड़ियाँ। कौन सी चूड़ियाँ? वो मुझे अपना जोड़ा कल पहनना, उसके साथ की चूड़ियाँ। सोमिया इतने दिनों से तुम तैयारी करी हो, अभी तक तैयारी मुकम्मल नहीं हुई। अम्मी मैं अपनी तैयारी कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बड़ी की तैयारी में मसरूफ हूँ। मैं काम करती हूँ कि भाई को फोन करती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम नुमान को मत डिस्टर्ब करो ना बेटा। कह तो रही हूँ वो गैर मुश्किल से अपने दोस्तों को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अम्मी अगर मेरी चूड़ियाँ नहीं आएंगी, मेरे पूरे के पूरे जोड़े का लुक खराब हो जाएगा। बहुत अच्छी लगोगी चूड़ियों के बगैर भी। क्या हो गया कौशल, तुम्हें बेटी को डर रही हो मेरी? अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? अगर कुछ चाहिए तो दिलवाओ। कैसे, वो कार्ड लेकर बांटने के लिए गया है, थका हुआ आएगा फिर लेकर जाएगी ये उसे। मेरी बेटी के लिए मैं हूँ ना, इसे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं जाकर दिलाऊंगा। थैंक यू बाबा। मेरी बात सुने, मुझे समझ नहीं आ रही, आप थक कर आए ऑफिस से, अब आप क्या फिर बस में धक्के खाकर बाजार जाएंगे? अरे मुझे अपनी बेटी के लिए थकना हर तरह से कबूल है। थैंक यू बाबा, बस मैं एक काम करती हूँ कि बैग रख के आती हूँ फिर निकलती हूँ। क्या हो गया इसमें? मेरी बात क्यों नहीं सुनते आप? अरे उसके भाई की शादी है। कितनी जिम्मेदारियाँ सौंपी हुई आपको, अब और काम नहीं? अरे मामानी जान कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं भी बेटा हूँ आपका। हा? बाबा निकलते, अम्मी मैंने आपका वो दुपट्टा भी रख लिया है जो। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम। सुना है कि तुम्हारे काम पूरे नहीं हुए अभी तक? हाँ, क्योंकि लड़कियों के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो शायद तुम लड़कों को नहीं पता। क्यों पप्पो? बाबा आप रहने दें, मैं हातिम के साथ चली जाऊंगी। बेटा तुम्हें कहीं काम तो नहीं, कोई जल्दी तो नहीं? नहीं 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 मामू जान, कोई मसला नहीं, मैं ले जाता हूँ सोमिया को। ठीक है फिर तुम लोग जाओ। ठीक है अम्मी, आप फिर जरा रुके यहाँ पर, हम बस यूं गए और यूं आए। हाँ कह तो ऐसे रहे हो जैसे पिछली गली में जा रहे हो, बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है मुझे कितनी जल्दी आओगे तुम। नहीं आ जाएंगे हम जल्दी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कौशल फहमीदा के लिए चाय बनाओ जी। हैं, मैं जरा कपड़े चेंज कर लूँ। बैठो फहमीदा तुम आराम से। खुश नहीं लग रहे हो मुझसे, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती ले आई हूँ तुम्हें। हाँ ये तुमने बिल्कुल सच कहा है कि आज मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे साथ आकर, लेकिन ये तुमने बिल्कुल गलत कहा है कि तुम मुझे जबरदस्ती ले आई हो, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं खुद जबरदस्ती तुम्हारे साथ आ गया हूँ। सोमी
नाराज हो मुझसे? और क्या नहीं होना चाहिए मुझे? एक घर छोड़ के हमारा घर है और तुम इतनी गर्मी में मामू को बाजार लेके जाने वाली थी। आवाज दे देती मैं फौरन चला आता। मैं हमेशा ही तो तुम्हें आवाज देती हूँ। तो फिर आज क्यों नहीं? मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि तुम बैंक में हो। यार आवाज देकर तो देखती, मैं बैंक से भी चला। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा भाईजान, मैं जानती हूँ कि सोमिया और नौमान जान है आपकी, और क्यों ना हो, आखिर औलाद है आपकी। लेकिन कुछ तो ख्याल करें, इतनी गर्मी में आप सोमिया के साथ जा रहे थे, अपना ख्याल रखा करें, पहले ही आप दिल के मरीज हैं। अरे फहमीदा, ये बच्चों की खुशियां ही हैं तो जवान रखती हैं मुझे, उन्हें खुश देखता हूँ तो सारी बीमारियां भूल जाती। भाई जान, अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। बस एक ख्वाहिश थी दिल की के बेटे का घर बस रहा है तो सोनिया का घर भी बस जाता। तो मैं समझ रही हूँ भाईजान आप जो कह रहे हैं, जैसे शाइस्ता ने नुमान को अपनी बेटी देकर अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है, बिल्कुल वैसे ही मैं भी चाहती थी कि सोमिया को अपनी बहू बना लूं। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना बेटे के साथ। आप परेशान क्यों हो गए भाईजान? आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला सोमिया के लिए भी कोई ना कोई सबब जरूर बना देगा। कौसर भाभी, आपके खानदान में तो इतने सारे लड़के होंगे, क्या अभी तक किसी ने सोमिया का रिश्ता नहीं मांगा आपसे? मैंने कुछ गलत कह दिया? अच्छा अब समझी, असल में आपके खानदान के लड़के इतने पढ़े लिखे नहीं है ना, और सोमिया के ख्वाब होंगे ऊंचे। बस यही मसला होता है, जब लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा दो ना तो फिर इसी तरह के मसले होते हैं। नहीं फहमी, तालीम इंसान को ऊंचे ख्वाब देखना नहीं सिखाती, तालीम तो इंसान को औकात के मुताबिक ख्वाब देखना सिखाती है। बस भाईजान, अल्लाह ताला जल्द ही सोमिया का कोई सबब बना दे और आप अपनी तमाम जिम्मेदारियों से आजाद हो जाए। चाय दो। चाय? अरे चाय, मैंने तो मना भी किया था कौसर भाभी, मुझे शाइस्ता के यहाँ जाना है ना, उसने बुलाया था। मैं ऐसा करती हूँ, रिक्शे से चली जाती हूँ। सोमिया तो अब सारा दिन जान नहीं छोड़ेगी हातिम की। बैठ जाओ फहमीदा, चाय पी के जाओ, मैं फोन करता हूँ अभी आ जाएंगे। अच्छा देखा, कहा था ना मैंने, सोमिया अब सारे काम खत्म करके ही वापस आएगी। मैं जा रही, खुदा तुम भी ना। मजे की चाट है ना? हाँ अच्छी है। और अब मुझे टिश्यू की जरूरत है। बाबा की इतनी सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं, सब खैरियत तो है? जी बेटा, कहाँ रह गए आप लोग? हम तो फ्री हो गए हैं, बस निकलने वाले हैं, खैरियत तो है? खैरियत है सब। वो तुम्हारी फहमीदा फूफो को शाइस्ता फूफो की तरफ जाना था, तुम लोगों से रब्ता नहीं हुआ तो रिक्शा में चली गई। थोड़ा सा इंतजार कर लेती मैं बस। अच्छा आप फोन रखें, मैं बस निकल रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। मैं कह रही थी कि फूफो नाराज हो जाएंगी, ऑटो पे बैठी है वो शायद से फूफो के घर चली गई हैं। क्या? हाँ
अब जल्दी से मुझे घर ड्रॉप करो, पहुंचो उनके पास। चलो चलो चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है ना आप। बस अपनी हैसियत में रहते हुए यही कर सकी मैं। भाई बहुत अच्छा है, सजाद भाई को राहिला जैसी बहू मिल जाएगी, उन्हें क्या चाहिए। वैसे सजाद भाई ने तो मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि कुछ भी मत करना, लेकिन आपा खाली हाथ भेजते हुए भी तो बेटी को अच्छा नहीं लगता ना। सजाद भाई के घर में राहिला बहुत खुश रहेगी, नुमान बहुत समझदार, बहुत मोहब्बत करने वाला लड़का है। जी आपा इंशाल्लाह। अरे आ जाए। अरे इस सब की क्या जरूरत थी राहिला? बस वैसे खुश रहो हमेशा। आए आप बैठे। हातिम नहीं आया आपके साथ? हमसे इतनी नफरत करने लगा है कि हमारे घर तक आना छोड़ दिया। बेटा काम पड़ गया होगा उससे। राहिला शर्म करो, वो तो इतनी मोहब्बत करने वाला बच्चा है। कम से कम झूठे मुंह पूछ तो सकता था ना कि कहीं कोई काम तो नहीं है। मैं क्लास लूंगी उसकी। अरे नहीं आपा, वो तो रोज मुझे फोन करके पूछता है, और उसके करने का कोई काम होता है तो मैं बता भी देती हूँ। आप ये लीजिए। छस्सा, राहिला खुश नहीं लग रही है। अरे नहीं आपा, मेरी फिक्र लगा कर बैठ गई है। उसके जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी ना, बस यही बात उसके उदास कर रही है। आप ये लीजिए। आज गलती से यहाँ का रास्ता कैसे भटक गए? रास्ता तो तुम भटक जाते। कहते हैं कि मोहब्बत में अगर एक बार इंसान रास्ता भटक जाए तो सारी उम्र वो ठोकरे ही खाता है। मत किया करो ऐसी बातें, अब तुम नुमान की अमानत हो यार। लेकिन मेरा दिल इस रिश्ते को तस्लीम नहीं करता है। और जो रिश्ता तुम मेरे साथ जोड़ना चाहती हो, मेरे दिल ने भी कभी उसे तस्लीम नहीं किया राहिला। आखिर क्यों करते हो मुझसे इतनी नफरत? मेरे दिल में अपने लिए नफरत तुमने खुद पैदा की है राहिला। काश तुम समझ जाती कि जहां पर मोहब्बत नहीं मिलती वहां पर बार बार दस्तक देने से मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं ये राज अपने सीने में दफन करके नुमान की दुल्हन तो बन जाऊंगी कि तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया, लेकिन मेरी आह तुम्हें सुख से जीने नहीं देगी। जिंदगी भर तड़पोगे तुम अपनी खुशियों के लिए। अगर तुम्हारी दुआएं तुम्हारे काम ना सके तो तुम्हारी बदवाएं भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। परांदों का शौक कब से हो गया? सबसे पहले मुझे बताएं कि ये मुझ पे लक कैसा रहा है। मेरी बेटी पे तो हर चीज जचती है माशाल्लाह। हातिम ने दिलाया है। क्या हुआ अम्मी? हातिम ये सारी चीजें क्यों दिलाते हैं तुम? हातिम कोई गैर थोड़ी है। कुछ रिश्ते जो बहुत अपने होते हैं ना, जब गलत फहमियाँ दूर होती हैं तो गैरों से भी ज़्यादा गैर हो जाते हैं। यार
खातिर मेरी मोहब्बत है, और जिससे मोहब्बत की जाती है उससे बढ़कर अपना कोई नहीं है। अगर मैं ले गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अम्मी आप तो ऐसे बोलिए जैसे मैं उससे पहले कभी लेके ही नहीं गया। हातिम, सोमिया तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने तुम्हें ऑफिस से फोन करके जल्दी घर बुलाया और तुम मुझे भाई साहब के घर बिठा के मैडम सोमिया को लेके बाजार चले गए। क्या सोचते होंगे भाभी और भाई साहब के मेरी क्या अहमियत है तुम्हारी नजर में? वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं सोचते होंगे, आप लिख लेना। तुम भी लिख लो इस बात को कि जो सोमिया चाहती है ना वो मैं होने नहीं दूंगी। अच्छा, और जो आपका बेटा चाहता है वो? बेटा तो नादान है, सोमिया की बातों में आ जाता है, समझ जाएगा। जैसे शाइस्ता ने नुमान को अपनी बेटी देकर अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है, बिल्कुल वैसे ही मैं भी चाहती थी कि सोमिया को अपनी बहू बना लूं। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना बेटे के साथ। सजादा परेशान ना हो, अल्लाह हमारी सोमिया का भी सबब बनाएगा इंशाल्लाह। मेरी बेटी लाखों में एक है, पर मुझे अल्लाह से यकीन है कि उसने उसके नसीब में सुखी सुख लिखा है। फहमीदा को वो बात नहीं करनी चाहिए थी, मैंने उनकी बात सुन ली। इतनी आसानी से कह दिया कि हातिम की मर्जी नहीं है सोमिया से शादी करने की। कौशल, मुझे अपनी बहनों पे बड़ा मान है, और उसी मान से मैंने शाइस्ता से अपनी बेटी के लिए उसकी बेटी का रिश्ता मांगा और उसने फौरन हाँ कर दी। बेटी का बाप होने के नाते मैं फहमीदा से हातिम और सोमिया के रिश्ते की बात नहीं कर सकता था, लेकिन उसने मेरी ख्वाहिशों को भांपते हुए मेरी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। उम्मीदों को यकीन में बदलने वाला ऊपर बैठा है। अगर हमारी सोमिया का साथ हातिम के साथ लिखा हुआ तो अल्लाह खुद फहमीदा के दिल को हमारी सोमिया की तरफ माइल करेगा। कौशल, तुम्हें नहीं लगता कि फहमीदा ने हातिम के बारे में झूठ बोला? सजा, सोमिया और हातिम ने बचपन साथ गुजारा, मैं नहीं मानती कि फहमीदा को उनकी मोहब्बत का पता ही नहीं। मुझे पूरा यकीन था कि आप लोग यहीं पर ही पना लेके बैठे। आपकी बेटी ने पता नहीं कहां कहां से चुन के सहेलियां मंगाई हैं, पूरा घर सर पे उठा रखा है। अरे भाई, इतनी बेसुरी आवाजों में गा रही हैं, कसम से बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। खबरदार मेरी बेटी को कुछ ना कहना। और जाहिर सी बात है बाबा, अब इन लड़कियों की आवाज इनको कहां अच्छी लगेगी, इनको तो अब रहीना की आवाज अच्छी लगेगी। देख रही हैं आप इसे? सोमिया बाज आओ। अच्छा एक काम करें कि हमारे लिए और मेरी सारी दोस्तों के लिए आइसक्रीम लेकर आ। हाँ बहुत अच्छे, आइसक्रीम लेकर आ दो। मैं सुबह से गया हूँ बाहर, ठीक है ना, मैं थक चुका हूँ, मैं नहीं जा रहा। हाँ तो हमारे कौन से किसी काम से गए हुए थे? अपने काम से गए हुए थे ना, कार्ड बांटने के लिए। तो गया तो था। ऐसा करते हैं, वो भाई थका हुआ है ना, तो मैं जाके ले आता हूँ। मैं जाके ले आता हूँ। कर ले इमोशनल ब्लैकमेल, मुझे ही लानी पड़ेगी आइसक्रीम, सर पे जो चढ़ा के रखा हुआ है इसको। पैसे है ना बेटे? जी बाबा पैसे है मेरे। Happy family. मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है। आइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। सजाद साहब, मुझे आपकी छुट्टी की एप्लीकेशन मिल गई थी, मुबारक हो आपको। सुना है बेटे की शादी कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, छोटा मुंह बड़ी बात मैम। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको अपने बेटे की शादी में बुलाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आप अगर तशरीफ लाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये कार्ड है शादी का।
अरे इसमें हिम्मत की क्या बात है सजाद साहब, आप हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं, मैं आपके जज्बे की कदर करती हूँ, लेकिन मेरे लिए ज़रा मुश्किल होगा। अदन यहाँ होता तो मैं उसे ज़रूर भेज देती, उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे। ठीक है मैम, जैसे आपकी मर्जी। सजाद साहब आप हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं, आपने हमें अपनी खुशी में याद रखा, अच्छा लगा मुझे। मैं स्टाफ में से किसी को ज़रूर इंस्ट्रक्ट करूंगी कि वो मेरी तरफ से आपके बेटे की शादी में शिरकत करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मॉम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? डिस्टर्ब किया होगा मैंने आपको? नहीं नहीं, इट्स ओके। कब आ रहे हो बताओ? बस इंशाल्लाह वेरी सून, नया सेटअप है ना तो फिर रनिंग में आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बस अब तुम जल्दी से आ जाओ और आकर अपना ऑफिस संभालो। तुम्हें पता है तुम्हारे इंतजार में मैंने नाजिया की शादी की सारी तैयारियां पेंडिंग कर रखी हैं। या दैट टू, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आता हूँ ना तो सब मिलके मैनेज कर लेंगे। ओके, ख्याल रखना अपना। मॉम, अगर आपको ऑफिस के हवाले से कोई भी टेंशन हो तो यू डोंट हैव टू वरी, मैं आऊँगा तो सब संभाल लूँगा। मैं कोई टेंशन नहीं ले रही, मुझे पता है कि मेरा बेटा वहाँ बैठ कर भी इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है कि मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं तो ऑफिस भी ना आती, वो तो आज कुछ वो इम्पोर्टेंट सिग्नेचर्स करने थे इस वजह से आ गई। ग्रेट, चलो फिर आप कैरी ऑन करें, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, राइट? ठीक है मेरा बेटा, टेक केयर, बाय बाय। मॉम, आपने भाई को डांटा? अरे मैं क्यों उसे डांटूंगी भला, उन्हें बिल्कुल भी मेरी शादी की फिक्र नहीं है, हर वक्त बस बिजनेस की टेंशन लगी रहती है। बेटा वो भी तो जरूरी है ना। जी मैं भी यही कह रही हूँ, उनके लिए तो बस वही जरूरी है। अच्छा अब उसका फोन आ जाए तो उलझने मत बैठ जाना उससे प्लीज। आई थी कॉल, मैंने उनसे बोला कि पहली फ्लाइट लेके फौरन आ जाए, शादी के लिए हेल्प चाहिए मुझे। आ जाएगा बेटा, वो तो खुद आने को बहुत बेचैन है। मॉम आपके साथ एक बात शेयर करूं? कहो। सबने आज बहुत ही अजीब सी बात की मेरे साथ। क्या? उसे ऐसा लग रहा है कि शीरीन अपने रिश्ते से खुश नहीं है। मतलब? I mean, वो ऐसा फील कर रहा है कि शीरीन खुश नहीं है अपने रिश्ते से। तो बेटा अक्सम शीरीन का भाई है, वो उसे पूछे कि क्या बात? यही तो मसला है, शीरीन किसी को कुछ बताती भी तो नहीं है। बेटे अगर बता भी देगी तो साबिर भाई कहाँ उसकी बात सुनेंगे। मॉम ये साबिर अंकल इतने सड़ियल मजाज के क्यों है? शर्म करो, तुम्हारे होने वाले सुसर भी हैं और तुम्हारे खालू भी, ऐसे नहीं बोलते। इसी बात की तो टेंशन है, आप देखे ना अक्सम कितना लाइवली नेचर का है, शीरी इतनी लविंग है और खाला खाला कितनी मोहब्बत करने वाली थी, अंकल के साथ क्या मसला है? बस बेटा शुरू से ही ऐसा मिजाज है। खैर मैं जा रही हूँ शाम को उनकी तरफ, तुम चाहो तो चलो और शीरीन से भी मिल लेना। हाँ श्योर, बल्कि मॉम मैं शीरीन से खुद पूछूंगी और मुझे उम्मीद है वो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। बेटा अगर वो सच भी बोल देगी तो तुम क्या कर लो? कितनी प्यारी लग रही हो। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ कि तुम ये जिद क्यों कर रही थी कि मेहंदी तुम्हारे घर पे होगी, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले तुम्हें इधर के सारे इख्तियार मिल चुके हैं। मुझे किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं चाहिए सोनिया, बल्कि मैं तो मेहंदी के हक में भी नहीं थी। क्यों? बाबा ने खुद इजाजत दी है फुप्पो से कि भाई के साथ साथ तुम्हें भी मेहंदी लगेगी।
गजरे ले लो। आ जाइए आ जाइए। और ये बताइए कि हमारी दुल्हन कैसी लग रही है? सच कहूं तो आज पहली दफा अच्छी लग रही है ना। मैंने खुद तैयार किया राहिला को। सोमिया, अम्मी बुला रही है, मैं बस आई दो मिनट में। ओके रुको। मैंने तुम्हें कितना चाहा था हातिम, और तुमने मेरी चाहत उम्र भर का पछतावा बना दी। याद रखना, सारी जिंदगी मेरे सामने नजरें उठाकर तुम जी नहीं सकोगे, कभी नहीं। मेरे दिल की दुआ है कि तुम हमेशा नुमान के साथ खुश। बहुत चाहता है वो तुम। मैं जानती हूँ कि वो मुझे बहुत चाहता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा। ठीक है, तुमने मेरी मोहब्बत की बेकदरी करके इतना जरूर सिखा दिया कि मोहब्बत की कदर ना करना कितना बड़ा गुनाह है। कभी खुश नहीं रहोगे तुम, कभी भी नहीं। अदन से कहो उसमा के आ जाए, वो शादी में देने कितने रह गए। जी साबर भाई, वो प्लान कर ही रहा है। भाई मैंने तो शीरिन से ये कहा था कि तुम्हारे साथ चली जाए वो शॉपिंग के लिए, लेकिन तुम तो उसके मिजाज से वाकिफ ही हो ना, ये शॉपिंग वॉपिंग के झमेलों में नहीं पड़ती वो। साबर भाई मैं तो समझती हूँ कि लड़कियाँ अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं, बशर्ते ये कि वो खुश हों। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शीरिन अपनी शादी के इस फैसले से खुश नहीं है? एंड माइंड यू, जिस तरह तुम्हारे लिए नाजिया की खुशी अहम है, उसी तरह मेरे लिए शीरिन की खुशी भी अहम है। साबिर भाई मैं शीरिन को बिल्कुल अपनी नाजिया की तरह ही समझती हूँ, बस इसीलिए थोड़ा परेशान होती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि इस शादी से वो खुश ना हो और फिर ये बात उसके लिए बाद में मुश्किल पैदा करे। प्लीज़ माइंड नहीं करना और तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन तुम भी ना अपनी अल्लाह बख्शे बहन की तरह ये वसवसे और वहमों की कायल हो, और ये वसवसों में पढ़ने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। अल्लाह मेरी बहन की आखिरत की मंजिलें आसान करे, लेकिन अगर वो आज होती तो शीरिन की शादी उसकी मर्ज़ी से उसकी खुशी से तय करती। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने ये रिश्ता शीरिन की खुशी से नहीं किया, इस रिश्ते में शीरिन की रजामंदी शामिल है। लेकिन लेकिन वेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है, कार्ड तकसीम हो चुके हैं। एंड बाय द वे, ये जो भी तुम्हारी लॉजिक है, इसकी टाइमिंग ही मुझे समझ नहीं आई। लॉजिक है मेरे पास, अक्सम को लगता है कि शीरिन खुश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। अक्सम साहब, आपकी खाला अस्मा का ये ख्याल है कि शीरिन इस रिश्ते से खुश नहीं है, क्या ऐसा है? हाँ जी डैड, एक्चुअली मैंने खुद ही नाजिया से कहा था कि वो शीरिन से पूछे। पूछे ही नहीं, उसे समझाए भी कि उसका बाप उसके लिए कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। बट सर्व योर खाला। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो तो अंकल को बता क्यों नहीं देती? वो इनकार की वजह पूछेंगे नाजिया। तो क्या वाकई कोई वजह नहीं है? क्या वजह हो सकती है?
क्यों? मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद तुम किसी से मोहब्बत करती हो। बताओ क्या ऐसी कोई बात है? शरियान मेरे लिए बहुत अजनबी है नाजिया, मैं पता नहीं उनके साथ कैसे खुश रह सकूंगी। बस इतनी सी बात है, मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं, काफी गुड लुकिंग है, तुम उसके साथ अच्छी लगोगी। बाबा भी यही कहते हैं। लेकिन नाजिया, किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए इतना ही काफी है कि वो गुड लुकिंग हो और मैं उसके साथ अच्छी लगूं? भाई बारबेक्यू रेडी है, 20 मिनट में सर्व करना है। जी सर, सब रेडी है, पराठे भी रेडी। अबे पराठे क्यों रेडी कराए, ठंडे हो जाएंगे, जब खाना सर्व करोगे तो हाथ के हाथ दे देना सबको। जी सर, आप बेफिक्र हो जाएं, सब हो जाएगा। देख वीआईपी सर्विस चाहिए प्लीज, ओके? बेफिक्र हो जाएं आप। हेलो यार, किधर हो आप? खाना सर्व होने वाला, बिरयानी नहीं आई अभी तक। अरे मेरी जान, वही एड्रेस है जो... अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, एरिया में मैं नीचे आ रहा हूँ रोड पे, बस। हाँ ठीक है, हाँ 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 वही रोड है, ओके। मैं किसी को कैसे बताऊं कि मेरे पास इनकार की वजह होते हुए भी मेरी जबान पर ताला क्यों है? मैंने तुमसे मोहब्बत को धड़कन की तरह हमेशा अपने दिल में छुपा के रखा है। हमेशा यही सोचा है कि शायद मेरी खामोश मोहब्बत तुम्हारे दिल पर दस्तक दे। लेकिन तुमने दिल पर ऐसे पहरे बिठाए कि मेरी कोई सदा तुम तक पहुंची ही नहीं। हाँ भाई, किसने कहा था इतना तैयार होने को? जिसने सजने का इतना सामान दिलाया था। वाह भाई क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर।
बस ये देख लेना कि कहीं नजर ना लग जाए। तुम अपनी नजरों को समझा लो, और किसी की नजर नहीं है मुझ पे। मैंने आप पे छोड़ी भी सब चीजें हैं। सजाद भाई, हाँ, एक जरा एक मिनट बात सुने। मैं आया भी। जी। देख रहे हैं आप इन लोगों को? हाँ माशाल्लाह। सजाद भाई, आप सोमिया को समझाते क्यों नहीं? उसे बताएं कि अब वो बड़ी हो गई है, हर वक्त हातिम के आगे पीछे फिरना मुनासिब बात नहीं है। अरे फहमिदा, मैं तो इन दोनों को देख के बहुत खुश होता हूँ। सजाद भाई, मैंने आपको बता रखा है कि मैंने हातिम की शादी खानदान में नहीं करनी, और हातिम भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है। बेहतर होगा कि आप सोमिया को भी समझा दें। बेटियों की आंखों में इस तरह के ख्वाब बस जाए ना, तो फिर वालदैन के लिए उन ख्वाबों को नोच के फेंकना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेहतर होगा कि सोमिया इस किस्म के ख्वाब देखने से बाज रहे। बाबा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ सब ठीक है। वो मेहमानों को देखो। नहीं, पानी लेकर आऊँ मैं आपके लिए? नहीं मैं ठीक। हाँ बेटियों की आंखों में इस तरह के ख्वाब बस जाएं ना, तो फिर वालदैन के लिए उन ख्वाबों को नोच के फेंकना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेहतर होगा कि सोमिया इस किस्म के ख्वाब देखने से बाज रहे। भाई फोन करें, एम्बुलेंस बुलाएं।